देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी यानी आईएमए में आज हुई पासिंग आउट परेड में देश विदेश के कुल 374 कैडेट पास आउट हुए। इनमें देश के विभिन्न राज्यों से 332 कैडेट पास आउट होने के बाद आज से सेना में बतौर अधिकारी शामिल हो गए हैं। सर्वाधिक 57 कैडेट उत्तर प्रदेश, 33 बिहार से हैं, जबकि 24 कैडेट उत्तराखंड से हैं। वहीं 7 मित्र देशों के 42 कैडेट भी पास आउट हुए। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भव्य परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस अवसर पर उन्होंने पास आउट होने वाले कैडेट्स को कहा कि सैनिक बनना सभी पेशों में सबसे महान कार्य है, जो आपको फौजी की वर्दी पहनकर देश सेवा का अवसर प्रदान करती है। That gives you a unique opportunity to don the uniform and serve your motherland with selfless devotion. It is a career driven by a sense of purpose and demands sacrifices from you beyond the call of duty. भारतीय सैन्य अकादमी के ऐतिहासिक चैटपुट भवन के सामने ड्रिल स्क्वायर पर सुबह 7:25 पर परेड शुरू हुई। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का प्रतिष्ठित पुरस्कार मिहिर बैनर्जी, ऑर्डर ऑफ मेरिट में प्रथम आने वाले जेंटलमैन कैडेट के लिए स्वर्ण पदक अभिमन्यु सिंह और जेंटलमैन कैडेट के लिए सिल्वर मेडल ऑर्डर ऑफ मेरिट में दूसरे स्थान पर रहने वाले मिहिर बैनर्जी को प्रदान किया गया। मेरिट के क्रम में तीसरे स्थान पर रहे जेंटलमैन कैडेट के लिए कांस्य पदक कमलप्रीत सिंह को प्रदान किया गया। वहीं विदेशी जीसी से मेरिट क्रम में प्रथम आने वाले जेंटलमैन कैडेट के लिए बांग्लादेश मेडल भूटान के किंगा लेंडुक को प्रदान किया गया। सेना का हिस्सा बनने पर सभी युवा अफसर उत्साहित दिखे। युवाओं को ये संदेश है कि अपने कंट्री के लिए जितना ज़्यादा दान दे सकते हैं हमें देना चाहिए, और जो भी हम दे सकते हैं, हमारे एफर्ट्स, हमारे हार्डवर्क एंड अल्टीमेटली अगर ये रिक्वायर्ड हो तो हमारा लाइफ भी। इंडियन आर्मी ने जब भी ज़रूरत पड़ी है प्रूव किया है कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स जब भी कोई चैलेंज उनके सामने आता है उसका दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब भी देते हैं, और मेरे हिसाब से ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनको आप देख के समझ सकते हैं कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब भी मिलेगा। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, जो भी मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया था, मेरे बचपन से वो चाहते थे कि मैं आर्मी में जाऊँ, देश की सेवा करूँ, और उसी चीज़ को आज मैंने पूरा किया है, उनके एक सपने को पूरा किया है। पासिंग आउट परेड के अवसर पर सेना के 3 हेलीकॉप्टरों से पुष्प वर्षा की गई। वरिष्ठ सैन्य अधिकारी, देश विदेश के अतिथि और कैडेट्स के परिजन इस भव्य आयोजन के साक्षी बने।